అర్థం బాబా అర్థం ठीक तो है ना यहाँ कैसे आया तू हाँ मुझे आई की बहुत याद आ रही थी और उन्हें ढूंढने के लिए मैं रात को ही निकल गया और चलते चलते कहीं गिर पड़ा अगर साई बाबा नहीं होते तो मैं कहीं खो गया होता बाबा आप मिलिए ना साई से साई यहाँ ही है साई कहाँ हैं आप बताइए ना गौतम मधुसूदन सिर्फ एक दिन अपने बच्चे से दूर रहे तो इतनी तकलीफ हुई तुम्हें क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जिस मां से तुमने उसके बेटे को अलग कर दिया उस पर क्या बीती होगी पद्मिनी को छोड़ो गौतम तो तुम्हें जान से भी अधिक प्यारा है ना फिर तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे कैसे हो गए कि गौतम से उसकी सबसे बड़ी खुशी ही छीन ले गए एक पिता जो अपने बेटे से उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ले वो पिता अपने बेटे से बेपनाह प्यार करने का दावा कैसे कर सकता है ऐसा कोई काम ही क्यों कर जिससे सर उठा के जी ना सको और अगर करने में शर्म नहीं तो पकड़े जाने में क्यों नजरें उठाओ मधुसूदन और उन लोगों को देखो जिनका नुकसान किया है तुमने जिनके विश्वास के साथ घात किया है तुमने ये लोग तो तुम्हारे अपने तुम्हारे प्रियजन हैं इन्होंने तुम पर विश्वास किया पूरे दिलो जान से तुम्हें स्वीकार किया फिर इन लोगों के साथ तुमने ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया लालच के सिवा और क्या कारण होगा हाँ साईं ऐसे लालची लोगों के ना कोई दोस्त होते हैं ना रिश्ते नाते बल्कि ऐसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं
नहीं। इसने जो कुछ भी किया उसके पीछे लालच नहीं था बल्कि बदले की एक ऐसी आंख थी जो बेकाबू हो गई। क्यों मधुसूदन? आप कैसे जानते? सवाल ये नहीं कि ये मैं कैसे जानता, सवाल यह है मधुसूदन कि तुमने इन लोगों को अपने बदले की आग में क्यों जलाया? इन सब ने तो तुम्हें सच्चे दिल से अपना माना था। कोई किसी का अपना नहीं होता है साईं, कोई नहीं, सबके सब स्वार्थी होते हैं, अपना मतलब देखते हैं। मैंने भी अगर अपना मतलब देखा तो क्या बुरा किया? ये गांव वाले मुझे प्यार मान सम्मान इसीलिए दे रहे थे ना क्योंकि मैं इनके पैसे दुगने करके दे रहा था, इनका मुनाफा करके दे रहा था। ये गोविंदा, गोविंदा मेरा साथ इसीलिए दे रहा था ना क्योंकि मैं इसका राज छुपा रहा था, मैं इसकी सहायता कर रहा था। तो कौन है अपना? हाँ? कोई नहीं, सबके सब अपना स्वार्थ देखते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है साईं, सब बेकार की बातें हैं। किसी एक की बुराई के कारण हम सारी दुनिया को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। किसी एक से बदला नहीं ले रहा हूं मैं साईं, पूरे समाज से प्रतिशोध है मेरा, पूरे समाज से। मैं वही कर रहा हूं जो समाज ने हमारे साथ किया। आप क्या कह रहे हैं दादा? आप तो इतने अच्छे घराने से थे, आपके पिता इतने दयालु थे। वही दया उनके किसी काम नहीं आई। मेरे बाबा किसी का दुख किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे। अपने काम से वो जो कुछ भी कमाते उसका 80% जरूरतमंदों में बांट देते थे। हमारे कारखाने में आग लग गई। उस आग में कारखाना जलकर राख हो गया। नुकसान की भरपाई में हमारा घर तक नीलाम हो गया।
पैसे दीजिए, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। बहू 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 कुछ पैसे दीजिए, बहू 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 बोलिए। हम पर किसी ने दया नहीं की, किसी ने तरस नहीं खाया। मेरे बाबा भले इंसान थे, दान धर्म पुण्य करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे, लेकिन जब उनकी मदद की बारी आई वो बीमार हो गए तो दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया। इसलिए साईं कि वो कंगाल हो गए थे। उनकी कोई हैसियत नहीं रही समाज में। उस दिन मुझे लगा इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है। दुनिया सिर्फ मतलब ही है, और उस दिन मैंने ठान लिया कि इस मतलबी दुनिया में मैं सिर्फ अपना मतलब निकालूंगा। मान सम्मान किया गया, बाबा की सेहत भी चली गई। शायद कारोबार के सदमे से वो टूट गए थे, या समाज की असलियत ने उन्हें तोड़ दिया था। चाहे जो भी हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन पर, गहरे सदमे में थे, और फिर एक बार दिल का दौरा पड़ा, संभल नहीं पाए, और दम तोड़ दिया उन्होंने। हद तो ये है साई कि उस समय भी हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। जिन बाबा ने सबकी मदद की थी उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए भी कोई नहीं है। उस दिन मैंने बाबा के साथ अच्छाई और सच्चाई की चिता जलते हुए देखी, और मैंने अपने आप के साथ वादा किया कि इस समाज से मैं बदला लेकर रहूंगा। जिस समाज ने मेरे बाबा की अच्छाई का जवाब बुराई से दिया, उस समाज को मैं ये बुराई सूद समेत लौटाऊंगा। बदले की आग जलाने के सिवा कुछ नहीं करती है मधुसूदन। जिससे बदला लिया जा रहा है उसे तो राख करती ही है, साथ ही बदला लेने वाले को भी खाक कर देती है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं साईं। जिन लोगों ने मुझे दुत्कारा था उनका कुछ बुरा नहीं हुआ, और इतने सारे लोगों को लूटने के बाद मेरा भी कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर रात को सोते सोते अचानक जाग क्यों जाते हो, पसीने में भीगे हुए? गुस्सा हमें अंधा कर देता है, हमारे देखने सोचने की शक्ति सीमित कर देता है, हमसे हमारा विवेक छीन लेता है। लेकिन हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतर मन आईने की तरह साफ रहता है, क्रोध उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, परिस्थितियों ने तुम्हें कठोर बना दिया, जिसकी वजह से तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देख पाए,
दूसरों का दुख दर्द नहीं, लेकिन तुम्हारा जमीर सब देखता था और देख के रोता था। जब जमीर रो रहा हो, अंतरात्मा दुखी हो, तब हम चैन से कैसे सो सकते हैं? अब समय आ गया है उस सच्चाई को देखने का, देखने का कि तुमने क्या बोया और क्या पाया है। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो मधुसूदन, मुश्किल से पैसे जोड़े थे बाबा के इलाज के लिए। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी एक पल में छीन ली उस ओंकारेश्वर ने, हमारे दिन का चैन छीन लिया, रातों की नींद उड़ा दी। मेरी बद्दुआ है कि हमारे पैसे लेकर वो कभी चैन से नहीं सो पाएगा। तेरे कारण मेरी पत्नी को अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा रतनलाल। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी एक एक चीज छिन जाएगी और तू मेरी ही तरह तड़पेगा। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। वो जानते थे कि मेरी शादी के लिए हमें पैसों की जरूरत है। उनके इस धोखे के कारण मेरा रिश्ता टूट गया। मैंने उन्हें दादा कहा था, बड़ा भाई माना था, फिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? दुखी मत हो बेटी, धन ये है ना, कल आ जाएगा। पर एक बात याद रखना, भगवान सब देख रहा है और जिसके कारण तेरा आज रिश्ता टूटा है ना, भगवान उसकी गृहस्थी कभी बसने नहीं देगा। मेरी बद्दुआ है जिसके कारण तेरा आज रिश्ता टूटा है ना, भगवान उसकी गृहस्थी कभी बसने नहीं देगा। हमारे पैसे लेकर वो कभी चैन से नहीं सो पाएगा। भगवान उसकी गृहस्थी कभी बसने नहीं बसने। मेरी बद्दुआ है, मेरी तरह तड़पेगा। अब आंखें खोलो।
क्या हुआ? गलती तो कर ली, लेकिन उसका परिणाम देखने का इतना डर? तुम तो अंजाम से डरते नहीं हो ना? मुझे बताओ मधुसूदन, इन लोगों में से वो कौन कौन थे जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था? या यहां शिरडी में कितने हैं? मधुसूदन, बदले की आग ये नहीं देखती कि वो किसे जला रही है। तुम्हें अब तक लग रहा था कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है, तुम किसी से कुछ भी ले सकते हो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आया, इस आग में वो भी झुलसता गया। फिर वो गांव वाले हो या तुम्हारा परिवार, हासिल क्या हुआ? पद्मिनी जैसी सुशील पत्नी को भी तुम खुश नहीं रख पाए मधुसूदन, और अपने बच्चे को जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे एक दोस्त तक नहीं दिला पाए। उसके अकेलेपन को महसूस ही नहीं कर पाए। दूसरों की जिंदगी को बर्बाद और तबाह करने में तुम इतने व्यस्त थे कि कब तुमने अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया तुम्हें पता ही नहीं चला। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.